सुहेल तंदीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई आपने वक्त दिया। सुहेल भाई, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके ये मैच जीता है, एक मिथ भी तोड़ दिया है जिसका सर्टनली एतमाद तो मिलेगा पाकिस्तान को। सेमीफाइनल में बड़ा तगड़ा मुकाबला भी होगा, क्या समझते हैं फील्डिंग बॉलिंग में कोई बेहतरी का ऑप्शन मौजूद है या जो है जैसे है ठीक चल रहा है? देखिए, इम्प्रूवमेंट का तो हमेशा गुंजाइश रहती है, आप चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी क्रिकेट खेलें, देर इज़ ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम ने सारे मैचेस की, मैं चार मैचेस की बात करूं तो वी बोल्ड वेल, वी बैटेड वेल, वी फील्डेड वेल। नॉर्मली हमारी फील्डिंग पे क्वेश्चन मार्क लगते हैं, बट सो फार वी डेंट सी मैनी ड्रॉप कैचेज। आज शाहीन ने कैच छोड़ा, बट ओवरऑल आप देखेंगे ग्राउंड फील्डिंग हमारी अच्छी है, हमने वी सेव्ड रन्स, वी सेव्ड बाउंड्रीज एंड वी टुक ब्रिलियंट कैचेस। तो आई थिंक के आई डोंट रियली सी कि कोई मेजर हमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एज ए सेट के देर इज़ ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। मे बी हसन अली का थोड़ा था, ही बोल्ड वेल टुडे, एंड हफीज़ का था, ही बैटेड वेल टुडे। अच्छा सुहेल, वैसे तो ऑफकोर्स हमने बात कर ली हर एस्पेक्ट की, टीम की बात हो गई है, थोड़ी कोचेज़ की बात हम इसलिए भी करना चाहते हैं बिकॉज आपने भी बड़ा दुनिया फिरी है, T20 आपने बड़े लीग्स खेले हैं। बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन और हेड कोच सुक्लेन मुश्ताक जब से टीम में आए हैं बड़े मुस्बत अप्रोच लग रही है, बड़े पॉजिटिव चेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं, तो आप इनके रोल को कैसा देखते हैं और जनरली कोचेस का रोल किस तरह इफेक्ट करता है टीम को? देखिए, जहाँ टीम को क्रेडिट दे रहे हैं वहीं मैनेजमेंट को भी क्रेडिट डेफिनेटली बनता है, क्योंकि जब टीम हारती है जहाँ पे टीम को क्रेडिटाइज किया जाता है वहीं मैनेजमेंट को भी किया जाता है। तो जहाँ पे ड्यू आपने करनी प्रेज करना हो तो वहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। आई फील के मुझे जो लगता है, क्योंकि कोचिंग तो मैं नहीं कहूँगा कि आते ही उन्होंने, क्योंकि अभी उनको आए हुए कोई टीम के साथ 2-3 हफ्ते हुए होंगे, मुझे जो लगता है ना माइंडसेट जो चेंज हुआ है उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके सुक्लेन मुश्ताक और जो हमारे मैथ्यू हेडन हैं या बॉलिंग कोच जिनको आप लेके आए या कंसल्टेंट जो हैं उनका डेफिनेटली रोल है। तो इट्स मोर अबाउट माइंडसेट देन कोचिंग अ टीम। अच्छा सुहेल भाई, लास्टली अभी हमने इंजी भाई से भी पूछा है, भारत अफगानिस्तान का मैच है, वो कह रहे हैं जनाब इंडिया पे से प्रेशर हट के आए और वो आज खुलकर खेल सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं, क्या आपको लगता है प्रेशर कम हुआ है या प्रेशर और बढ़ गया है कि जनाब 2 हार गए तीसरा भी ना हार जाएं? देखिए, अब दोनों टीमें प्रेशर में होंगी, अफगानिस्तान प्रेशर, उन पे अब एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है, नॉर्मली दे डोंट टेक प्रेशर, बट फिर भी जब आप अपनी मंजिल के करीब पहुँचते हैं, मंजिल इज़ लाइक रीचिंग सेमीफाइनल, तो अब उनको लग रहा है कि दे कैन अचीव, तो उसका प्रेशर उनके ऊपर ज़रूर होगा। इंडिया अदर हैंड, वो ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर है कि 2 बहुत ही बुरे मैचेस उन्होंने खेले हैं और उनके ऊपर अब प्रेशर है कि उन्होंने जीतना है, टूर्नामेंट में कमबैक करना है, अपने रन रेट को बेहतर करना है। ऑल राइट, सो इंडिया, आई गेस हमारा ज़रा कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है, बट वी गॉट योर पॉइंट, और हमें आपने कहा दोनों ही प्रेशर में हो सकते हैं, तो आज शाम में बहुत देर रहिए, पता लग ही जाएगा। वो वैसे मुझे तो लगता है कि जब हार भी रहे हो तो प्रेशर और भी ज़्यादा होता है, मतलब प्रेशर रियली इज़ नेवर रिलीज, प्रेशर तब भी रिलीज होता है जब आप जीत रहे हो, तो फिर वो टेंशन नहीं होती। उसका एक और प्रेशर होता है कि इसको कंटिन्यू रखना है, आपको पता है ना, मैं तो टेंशन वाली बात ढूंढ ढूंढ के लाता हूं। अभी हम ये खुश होने का पूरा, एक हमारे पास कुछ दिन है और फिर संडे को हमारा अगला मैच होगा।